कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। बता दें कि कवर्धा हादसे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कवर्धा जिले में अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक घटना हुई है। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। सरकार ऐसे दुख की घड़ी में परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी क्रम में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कुम्हारी की घटना में हमने मजिस्ट्रियल जांच करवाई है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। वही 5 चरणों के मतदान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 5 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कवर्धा जिले के कुकदोर थाना क्षेत्र अंतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है, कुछ घायल हुए हैं। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा सरकार ने की है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश शासन की ओर से हुआ है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिलाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, घायलों से मिले और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और जाकर वहां पर उनके लिए जो किए जा रहे काम हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम, इसके लिए उन्होंने मजबूती से वहां पर काम किया है।